हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जुपिटर एज बाय नाउ पे लेटर के बारे में। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के देखने के बाद आप उस वीडियो में जाके जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दी है आप किस तरह से जुपिटर एज बाय नाउ पे लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जुपिटर एज एक UPI बेस्ड बाय नाउ पे लेटर ऐप है जिसमें आपको मैक्सिमम 20,000 रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। केवल और केवल आपके सिबिल स्कोर के बेसिस पे आपको 500 से लेके 20,000 रुपए तक की कुछ भी लिमिट मिल सकती है, और आप उस लिमिट को मर्चेंट QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जुपिटर एज की लिमिट को बैंक अकाउंट में किस तरह से ले सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर तरह के लूट की अपडेट्स रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों, जुपिटर बाय नाउ पे लेटर ऐप में UPI या QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन केवल मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी इंडिविजुअल को पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपके पास मर्चेंट QR कोड होना चाहिए। तो दोस्तों, मर्चेंट अकाउंट में पेमेंट करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है। आप एयरटेल मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं, आप गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट यूज कर सकते हैं, आप फोन पे का मर्चेंट अकाउंट यूज कर सकते हैं, आप पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट यूज कर सकते हैं। किसी भी मर्चेंट अकाउंट पे बड़ी आसानी से आप जुपिटर एज के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और जुपिटर एज में आपकी जो भी लिमिट है आप इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे 1,000 रुपए का पेमेंट अपने गूगल पे के मर्चेंट अकाउंट पे कर रहा हूँ। मैंने गूगल पे का अपने मर्चेंट अकाउंट का QR कोड स्कैन किया, 1,000 रुपीज एंटर किए, और जैसे ही पेमेंट को ऑथराइज किया इंस्टेंटली ये पेमेंट मेरे जुपिटर एज अकाउंट से कट गया है और मेरे गूगल पे के मर्चेंट अकाउंट में ऐड हो गया है। और 2 से 5 मिनट के भीतर विदाउट एनी चार्जेस गूगल पे के मर्चेंट अकाउंट से ये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आपको सेम नंबर के मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। पहली बात तो ट्रांसफर होगा नहीं, और दूसरी बात आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो आपने जिस भी नंबर से जुपिटर अकाउंट बनाया है आपको उसी नंबर के मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर का ट्राई नहीं करना है। आपको किसी दूसरे नंबर से मर्चेंट अकाउंट बनाना है, या फिर अगर आपके फैमिली में ऑलरेडी किसी का मर्चेंट अकाउंट है तो आप उस पर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप जुपिटर एज की लिमिट को बड़ी आसानी से बिना कोई चार्ज दिए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही जब आपको जुपिटर एज की पेमेंट करना हो तो जुपिटर एज का पेमेंट आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते, आप UPI के थ्रू ही कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे UPI ऐप है जिनके थ्रू आप अपने जुपिटर एज का पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज एक लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।